नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, जैसे 10 सालों के अंदर किसी कंट्री या स्टेट के निवासियों की संख्या में चेंजेस, यानी कि परिवर्तन। इस तरह के चेंजेस को दो प्रकार से बताया जा सकता है, पहला एब्सोल्यूट नंबर्स और दूसरा परसेंटेज चेंज पर ईयर। हर साल या डेकेड यानी कि दशक, 10 साल में बढ़ी हुई पॉपुलेशन कुल संख्या में ग्रोथ का परिणाम है। पहले की पॉपुलेशन जैसे 1991 की पॉपुलेशन को बाद की पॉपुलेशन जैसे कि 2001, तो ये 10 साल हो गए, उसकी पॉपुलेशन से माइनस करके मिलता है, उसे एब्सोल्यूट इंक्रीज कहा जाता है। पॉपुलेशन इंक्रीज का रेट और पेस दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको हर साल परसेंटेज में स्टडी किया जाता है, जैसे पर ईयर 2% इंक्रीज रेट का ये मतलब है कि ये दिए हुए किसी साल की मेन पॉपुलेशन में पर 100% पर 2% का बढ़ावा हुआ। जैसे कि कोई भी कंट्री की पॉपुलेशन है, उसमें से एवरेज 100%, 100 लोग में से 2% बढ़े, परसेंट लोग बढ़े, ओके, का बढ़ावा दिया। इसे एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन 1951 में 361 मिलियन से बढ़कर 2001 में 1028 मिलियन हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। टेबल 6.1 एंड फिगर 6.4 बताता है कि 1951 से 1981 तक पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट स्टेडीली इंक्रीज हो रहा था। यह पॉपुलेशन में रैपिड इंक्रीज को बताता है, जो 1951 में 361 मिलियन से 1981 यानी कि 30 सालों में 683 मिलियन हो गई, ऑलमोस्ट डबल। लेकिन 1981 से ग्रोथ रेट धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान बर्थ रेट में तेजी से कमी आई। फिर भी सिर्फ 1990 में टोटल पॉपुलेशन में 182 मिलियन इंक्रीज हुई। इतनी बड़ी एनुअल एडिशन इससे पहले कभी नहीं हुई। इस पर ध्यान देना जरूरी है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप ध्यान से पढ़िए। इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। जब लार्ज पॉपुलेशन में लो एनुअल रेट लगाया जाता है, यानी कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, उसमें अगर 1% या 2% भी इंक्रीज होता है, तो हमारे हिसाब से तो पर 100% हमारे पास तो करोड़ों की पॉपुलेशन है, तो वो जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब लार्ज पॉपुलेशन में लो एनुअल रेट लगाया जाता है, तब इसमें एब्सोल्यूट इंक्रीज बहुत ज्यादा होती है। जब 1 बिलियन यानी कि 10 करोड़ पॉपुलेशन में लो रेट से भी इंक्रीज होती है, तब भी ऐड होने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत ज्यादा होती है। भारत की करंट पॉपुलेशन में एनुअल इंक्रीज 15.5 मिलियन यानी कि 155 लाख है, जो कि रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट के कंजर्वेशन को निष्क्रिय करने के लिए बिल्कुल इनफ है, वो खत्म कर सकती है। ग्रोथ रेट में कमी बर्थ रेट के कंट्रोल के किए जा रहे प्रयासों की सफलता को दिखाता है। इसलिए इसके बावजूद पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जारी है और 2045 2045 तक इंडिया चाइना को पीछे छोड़ते हुए वर्ल्ड के सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री बन सकता है। ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोसेसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज ग्रोथ। पॉपुलेशन में होने वाले चेंजेस की तीन मेन प्रोसेसेस हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। बर्थ रेट और डेथ रेट के बीच का डिफरेंस पॉपुलेशन की नेचुरल इंक्रीज है। एक साल में पर 100% में 1000% में जितने जिंदा बच्चों का जन्म होता है उसे बर्थ रेट कहते हैं। एक साल में पर 1000% में जितने
जीवित यानी कि जिंदा बच्चों का जन्म होता है उसे बर्थ रेट कहते हैं। ये ग्रोथ का एक मेजर कंपोनेंट यानी कि मुख्य घटक है, क्योंकि इंडिया में हमेशा बर्थ रेट डेथ रेट से ज्यादा रहा है। एक साल में पर 1000 पर्सन ने मरने वालों की संख्या को डेथ रेट कहा जाता है। डेथ रेट में तेजी से गिरावट इंडिया की पॉपुलेशन में ग्रोथ रेट का मेन कारण है। 1980s तक हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट में लगातार गिरावट यानी कि हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट के कारण बर्थ रेट और डेथ रेट में काफी बड़ा डिफरेंस आ गया और इसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा हो गई। 1981 से धीरे धीरे बर्थ रेट में भी गिरावट आई और जिसके चलते पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में भी गिरावट आई। इस तरह के ट्रेंड का रीजन क्या है? पॉपुलेशन ग्रोथ का तीसरा कॉम्पोनेंट है माइग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, लोगों का एक रीजन से दूसरे रीजन में चले जाना, उसी को माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन इंटरनल यानी कि देश के अंदर ही, या इंटरनेशनल यानी कि दो देशों के बीच हो सकता है, या कई सारे देशों के बीच हो सकता है। इंटरनेशनल माइग्रेशन पॉपुलेशन की साइज में कोई चेंज नहीं लाता। सॉरी, इंटरनल माइग्रेशन यानी कि आप इंडिया में रहते हो और आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में रहने चले जाओ, या आपके काम के सिलसिले में आपका ट्रांसफर हो जाए या आपको रहना पड़े, तो इंडिया की पॉपुलेशन में उस दौरान कोई चेंज नहीं होता। हाँ, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो, उस हिसाब से एक स्टेट की पॉपुलेशन आप निकल गए इसलिए कम होगी और दूसरे में आप गए इसलिए उसमें बढ़ेगी। तो इंटरनल माइग्रेशन पॉपुलेशन की साइज में कोई चेंज नहीं लाता, लेकिन ये एक देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है। जैसे कि मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और उसके कंपोनेंट को चेंज करने में माइग्रेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंडिया में ज्यादातर माइग्रेशन रूरल से अर्बन एरिया की ओर होता है, क्योंकि रूरल एरिया में पुश फैक्टर होता है। ये रूरल एरियाज में पुअर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की एडवर्स कंडीशन है और सिटी का पुल फैक्टर रोजगार में वृद्धि और बेटर लिविंग कंडीशन को दर्शाता है।